नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। मैं सर्वेश त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं यहां आया हूं आपको 18 जून और उसके मुख्यालय को याद कराने। रेलवे में इससे आपके क्वेश्चंस कहीं ना कहीं देखने को मिलते ही हैं, किसी ना किसी शिफ्ट में आपको जरूर इससे क्वेश्चंस देखने को मिलते ही हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं बताऊं आपको, मैं इसको थोड़ा सा अपने मैप के हिसाब से समझाऊंगा। ध्यान रखेंगे, ये आपका मैप है, जैसा आपको पता है ये आपका नॉर्थ ईस्ट, आपका जो होता है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट होता है, इसी तरीके से हम समझते हुए चलेंगे। तो जो आपका उत्तरी रेलवे है उसका मुख्यालय आपके दिल्ली में है, जो आपका साउथ रेलवे है उसका मुख्यालय आपके चेन्नई में है, जो आपका पूर्वी रेलवे है उसका मुख्यालय कोलकाता में है, और जो आपका पश्चिमी रेलवे है उसका मुख्यालय आपके मुंबई चर्च गेट में है। यहां तक आपके चार दिशाओं के बारे में समझ में आ गया। एक आ जाते हैं बीच में, यानी मध्य रेलवे। तो मध्य रेलवे का मुख्यालय आपके मुंबई वीटी है। अब बात करेंगे हम किसके बारे में, इन दोनों के मध्य में क्या है, यानी नॉर्थ जो आपके उत्तर और मध्य रेलवे आपका प्रयागराज है, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय आपके सिकंदराबाद में है, पश्चिम मध्य रेलवे आपके जबलपुर में है, आपके पूरब और आपके मध्य रेलवे आपके हाजीपुर में है। हमने इनके चार के बारे में भी देख लिया। अब हम किसके बारे में देखेंगे, अब हम देखेंगे इनके आपके जो उत्तर और आपके पूर्व के बीच में जो आते हैं एनईआर, यानी जो आपके उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय आपके गोरखपुर में है, ये आपके दक्षिण और पूर्व रेलवे का मुख्यालय आपके कोलकाता में है, ये बात करेंगे आपके पश्चिम और दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय आपके हुगली में है, अब बात करेंगे आपके उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय आपके जयपुर में है। इतना आपने देख लिया। अब एक चीज आपसे यहां छूट जाता है कि जो आपका उत्तर, ये जो आपका है दक्षिण पूर्व रेलवे है, उस दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कौन सा है, बिलासपुर है। समझ में आ गया। उसके बाद से रेलवे ने अपना विस्तार किया, रेलवे ने अपना विस्तार किया किसके बारे में, इन्होंने अपना विस्तार किया तटीय रेलवे के बारे में। एक बनाया ये कौन सा, पूर्वी तट रेलवे, जिसका मुख्यालय भुवनेश्वर रखा गया। एक बनाया गया यहां पे क्या, पश्चिम मध्य रेलवे, सॉरी दक्षिण तटीय रेलवे, जिसका मुख्यालय आपके कहां पे है, विशाखापट्टनम में है। एक मुख्यालय और आपका है जो कोलकाता मेट्रो के नाम से जाना जाता है, और कोलकाता मेट्रो का मुख्यालय आपके कोलकाता में है। तो इसी तरीके से आप इन सारे 18 जोन को याद करिएगा। बहुत ही आसान तरीके से हमने इस चीज को बताया है। इस चीज को एक बार और मैं रिवाइज कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। पूर्वी रेलवे आपके कोलकाता है, दक्षिण रेलवे आपका चेन्नई है, आपका पश्चिम रेलवे मुंबई चर्च गेट है, और आपका उत्तर रेलवे क्या है, दिल्ली है। बीच का रेलवे यानी मध्य रेलवे आपके मुंबई वीटी है। ठीक है, फिर मैं बात करता हूं उत्तर और आपके मध्य रेलवे की। तो उत्तर मध्य रेलवे आपके प्रयागराज में है, दक्षिण मध्य रेलवे आपका सिकंदराबाद है, बात कर लेंगे यहां पे पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर में है आपका, और पश्चिम मध्य रेलवे आपके जबलपुर में है। ठीक है ना। अब देखिए यहां पे मैं बात कर लूंगा, ये जो आपका उत्तर पूर्व रेलवे है, उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय आपके कहां पे है, गोरखपुर में है। अगर बात करूं मैं आपके दक्षिण पूर्वी रेलवे का, तो दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है। इसी तरीके से दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय विलासपुर में है। ठीक है, आपकी बात करेंगे दक्षिण पश्चिम रेलवे, तो दक्षिण पश्चिम रेलवे आपके हुगली में है। आपके बात करेंगे उत्तर आपके पश्चिम रेलवे, तो उत्तर पश्चिम रेलवे आपके जयपुर में है। ठीक है, अब तटीय रेलवे की बात कर लेते हैं। तो ये तटीय रेलवे का विस्तार है पूरब से लेकर पूर्वी तटीय रेलवे से लेकर के दक्षिणी तटीय रेलवे तक। तो पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय आपके भुवनेश्वर में है, और आपके दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय आपके विशाखापट्टनम में है। एक आपका पूर्वी सीमांत रेलवे छूट जाता है, जो आपके गुवाहाटी मालेगांव में है, और एक आपका छूट जाता है कौन सा, कोलकाता मेट्रो। ध्यान रखेंगे कोलकाता मेट्रो के बारे में आप याद रखिएगा, कोलकाता मेट्रो का मुख्यालय आपके कहां पे है, कोलकाता में है। तो ये आपका पूरा का पूरा 18 जोन रहा। इसको एक दो बार सुनेंगे आप, छोटी वीडियो है तो आपको लगातार याद हो जाएगा। चलिए इसी तरीके की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मिलेंगे हम। तब तक के लिए सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।